वेलकम टू द सिविल इंजीनियर बजट। दोस्तों स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल द सिविल इंजीनियर बजट पर। आशा करते हैं कि आप बढ़िया होंगे और देख रहे होंगे हमारा चैनल। आज हम आपके साथ में सिविल इंजीनियरिंग के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ कंक्रीट मिक्स डिजाइन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एज पर आईएस कोड 10262/2009 और 456/2000 के हिसाब से। जैसा कि हमारा थीम है कि हम इस पर आईएस कोड ही डिस्कशन करते हैं, तो इस बार भी हम स्टेप बाय स्टेप आईएस कोड के हिसाब से ही डिस्कशन करेंगे और सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन और ड्राई कंडीशन में कितना फर्क है इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो देखते रहिए हमारा चैनल, और यदि अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन सबसे पहले। आई होप, और आप हमें अपना सजेशंस भी लिख सकते हैं, ठीक है, thesivilengineerbudget@gmail.com पर। हम सभी चीजों को मॉनिटर करते हैं और आपके सभी सुझावों को साझा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस कंक्रीट मिक्स डिजाइन की। अभी तक देखिए सभी लोगों ने बहुत अलग अलग तरीकों से एक्सप्लेन किया हुआ है। हम आपको बताने वाले हैं कि हम किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। टारगेटेड स्ट्रेंथ, हम पहले सारी चीजों को प्रोसीजर करेंगे। हमें रस्ते में बीच में जिन वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको चीजें क्लियर हो और आपका सारे डाउट्स भी क्लियर रहे, ठीक है। पहले से भाई हमें ज्यादा बर्डन नहीं करना, हमें समझना है। एक बार देखो, दो बार देखो, तीन बार देखो, क्लियर हो कमेंट करो, फिर भी यदि ना समझ में आए तो कमेंट कर दो, हम आपको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले तो सबसे पहले फ्री हो जाइए, सीखने के लिए तैयार हो जाइए, नई चीजें आना चाहिए आपके दिमाग में। आप पहले उसको देख लीजिए, बिल्कुल फ्री माइंड में देखना है इसको। एक बार देखना है, समझ नहीं आया दूसरी बार देखना है। चीजें मैं बोलता हूं आपको याद होना चाहिए प्रोसीजर की, कंक्रीट मिक्स डिजाइन कैसे करते हैं, कंक्रीट मिक्स डिजाइन कैसे करते हैं। पहले टारगेटेड स्ट्रेंथ निकालते, फिर सीमेंट कंटेंट निकालते, फिर बाटर सीमेंट रेशियो, फिर बाटर कंटेंट, फिर एग्रीगेट, वट एवर, इसको हम चीजें क्लियर करें, ठीक है। चलिए लेट्स बिगिन। और सबसे पहले हमें कंक्रीट, देखिए आपसे कोई बोले कि आपको कंक्रीट मिक्स डिजाइन करना है तो आप कहेंगे कि कितने का मिक्स डिजाइन करना है, तो बोलेंगे M40 का मिक्स डिजाइन करना है, ठीक है। तो आप जैसे आइस कोर्स में जाएंगे आपको टारगेटेड स्ट्रेंथ के लिए एक आइस कोर एक फॉर्मूला मिलेगा, FCK +1.65S S4 स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए सबसे पहले तो मैं बताऊं FCK क्या होता है। भाई जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं उन्हें जरूरत पड़ती होगी FCK, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज समझ में आता है। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, कितना फर्क है, उसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो किसी एक क्यूब का जो 150 mm by 150 mm by 150 mm के क्यूब की जो स्ट्रेंथ निकलेगी कंप्रेसिव मशीन में वो है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ये है कि 100 क्यूब्स आपने टेस्ट किए तो 95 पास हुए, 5 फेल हुए, दैट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ FCK होती है। अब मैं एक चीज और मैं आपको बताता चलूं, भाई हम जैसे बात कर रहे हैं M40 की, 40 में M का मतलब मिक्स है, 40 का मतलब है कि इसकी 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर मतलब मेगा पास्कल भी यही होता है, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 1 mm स्क्वायर में ये 40 न्यूटन का वेट ले सकता है कंक्रीट, ये बताता है, ठीक है। ठीक है, ये चीज हमें यहां से क्लियर होती चल रही है। दो फॉर्मूले हैं, विच एवर इज हायर आपको टेस्ट लगाने हैं। डिजाइनिंग का पार्ट है 1.65 × S स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए टेबल नंबर 2 से आपको देखना है। M40 आप डिजाइन कर रहे हैं, 5 है भाई स्टैंडर्ड डेविएशन में। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, नोट में लिखा हुआ है कि यदि डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी अच्छी नहीं है, यदि वाटर सीमेंट स्टोरेज बढ़िया नहीं है और आप जो पानी का ऐड कर रहे हैं वो कंट्रोल यूनिट से आप ऐड नहीं कर रहे हैं और तो फिर आपको 1 N/mm² बढ़ाना है। ये चीज मैंने आपको बता दिया, आप पढ़ सकते हैं बाकायदा, आप नोट में लिखा हुआ है पुस्तक। वैल्यू ऑफ एक्स फैक्टर बेस्ड ऑन ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करेगा। M40 के लिए हम 6.5 देखेंगे। विच एवर इज हायर की बात कर लेते हैं, और हायर में हम देख रहे हैं कि विच एवर इज हायर, तो ये चीज मैंने यहाँ पे आप देखिए मैंने यही किया हुआ है 1.65 × 5, ठीक है, तो ये जो हो गया और इसको दोनों को जोड़ दिया है तो 48.25 ये हमारी हायर स्ट्रेंथ है, तो हम इसके साथ में बढ़ेंगे, मतलब कि हम 48.25 को प्रोपोर्शन करेंगे तो सभी तरीके की वर्केबिलिटी एंड डिग्री ऑफ
टेस्टिंग या फिर मेकिंग में जितनी भी सारे करते हैं तो 8 न्यूटन लॉसेस हो जाएगा, तो 40 तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा। आई होप चीजें आपको क्लियर हैं। और नेक्स्ट है कि अब हमें अप्रोक्सीमेट ईयर कंटेंट की बात करेंगे। जनरली ये चीज कोई बताता नहीं है, बट आइस कोर्ट्स में इसके भी प्रोविजंस हैं कि हम एक्चुअली एग्रीगेट पर डिपेंड करता है, और 20 mm एग्रीगेट पर हमें 1% का इंटरप्ट होता है। दैट मीन्स कि ये सबके लिए आइडियल है और इसे हमें यूज करना है। ठीक है, अब हमें सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो कैसे करना है ये चीज देखते हैं। और इसमें नेक्स्ट है टेबल नंबर 3 में ये चीज हमें देखी। और सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो के लिए आपको फिगर नंबर 1 रेफर करना है। फिगर नंबर 1 में आप देखेंगे कि आपको 48.6 आपको टारगेटेड है, 48.25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर टारगेटेड है। तो यहां से आप देखेंगे कि ये 43 ग्रेड, यहां पे देखिए आप नोट 1 में लिखा हुआ है कि कर्व 1, 2, 3 मे बी यूज फॉर ओपीसी 33, 43, 53। ठीक है, तो और इस तरह से हो गया। अब 43 के लिए हम यूज कर लेते हैं यहां से, और 48 मतलब ये यहां पे 0.36 के आसपास, 0.36 के आसपास है। और इसको एक जगह और चेक करते हैं टेबल नंबर 5 और 4, 5, 6 में। मिनिमम हम सेवर एक्सपोजर कंडीशंस के लिए डिजाइन कर रहे हैं, और उसके लिए मिनिमम ग्रेड 30 है, यहां से हो गया। मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.45 है, तो 4-5 से कमी लेना है, और आपके पास ट्रायल एंड एरर के लिए जगह होनी चाहिए, तो आपको 0.36 ले लिया। दैट इज दोनों तरफ से ठीक है, ओके है, और आपको वाटर सीमेंट मिल गया। अब सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट, अब पानी निकालना है। उसके लिए आपको देखना है कि क्लूज 5.1 आपको टेबल दी हुई है, उस टेबल में क्लूज 5.3 लिखा हुआ है, और इसमें देखा है कि वाटर कंटेंट पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट फॉर नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, यदि आप 20 लगा रहे हैं तो 186 लेना है। लेकिन क्लूज 5.3 भी देखिए, क्योंकि हर बार ये भाई जरूरी होता है कि भाई टेबल नंबर 4 किस लिए है। तो पहले तो हम आपको बता दें कि वाटर कंटेंट हर चीज पर डिपेंड करता है, एग्रीगेट की साइज हो या सेप, टेक्सचर हो या वर्केबिलिटी, वाटर सीमेंट रेशियो हो या वाटर एंड अदर सप्लीमेंट्री सीमेंटिटियस मटेरियल, केमिकल एडमिक्सचर्स हो या एनवायरमेंटल कंडीशन, सभी पर डिपेंड करता है। यदि इंक्रीजिंग इन एग्रीगेट साइज, यदि एग्रीगेट की साइज आप बढ़ा रहे हैं, वाटर सीमेंट रेशियो आप बढ़ा रहे हैं, स्लंप आप बढ़ा रहे हैं, राउंडेड एग्रीगेट का यूज आप कर रहे हैं, तो वाटर रिडक्शन एडमिक्सचर्स का यूज कर रहे हैं, वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स का आप यूज कर रहे हैं, तो पानी की डिमांड कम हो जाएगी। और अदर हैंड यदि आप टेम्परेचर आपका ज्यादा है, वाटर कंटेंट आपका ज्यादा है, स्लंप आपका ज्यादा है, एग्रीगेट एंगुलर है, डिक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ कोश एग्रीगेट टू फाइन एग्रीगेट है, तो पानी की डिमांड बढ़ जाएगी। टेबल नंबर 4 क्या कहता है इसके बारे में देख लेते हैं कि टेबल नंबर 4 कहता है कि हमने ये वाला जो बताया हुआ है पानी, वो 50 mm स्लंप के लिए है और एंगुलर कोश एग्रीगेट के लिए है। यदि आपका स्लंप आपको ज्यादा चाहिए, यदि आपके एग्रीगेट की साइज अच्छी है, सब एंगुलर है, तो 10 केजी आप कम कर लीजिए, ग्रेवल्स हैं तो 15 केजी, और राउंडेड ग्रेवल्स हैं तो 20 केजी पानी आपको कम कर लेना है। और यदि 3% आपको बढ़ाना या घटाना है हर 25 mm स्लंप के लिए, इस तरीके से। और पानी की वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट प्लेसिंग ऑफ कंडीशंस पर भी डिपेंड करती है, जैसे कि आपको मास कंक्रीट करना है तो लो वर्केबिलिटी पे काम हो जाएगा, बीम कॉलम स्लैब फ्लोर में 25 to 50, 75 हो जाएगा, लाइट रेनफोर्समेंट में ये चीजें हो जाती हैं, हैवी रेनफोर्स में आपको यहां से 50 to 100 आपको चाहिए, और ट्रेंच में हाई चाहिए तो 150 to 150, और उसके लिए तो अलग ही हो गया। यहां से हमने 186 लिया, और आप देखा कि हमारा 75 स्लंप हम मांग रहे हैं, 175 के लिए 3% बढ़ा दिया, 191 हो गया। लेकिन वहीं वहीं साथ साथ हमारा सुपर प्लास्टिसाइजर भी यूज किया है एडमिक्सचर्स में, हमने ट्रायल एंड एरर हमारे केमिस्ट ने बताया कि 23% पानी आपका रिड्यूस हो जाएगा, तो हमने 0.77 से मल्टीप्लाई कर दिया, 148 केजी ऑफ सीमेंट हमने मिला लिया। कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट की बात करते हैं, तो आपने देखा कि टेबल नंबर 5 में जब आप जाएंगे तो मिनिमम सीमेंट आपको सेवर कंडीशन के लिए मिल जाएगा 320 केजी। हमारे यहां पे 0.36 है, पानी 148 मिला रहे हैं, डिवाइड करके देख लीजिए, 411.11 आ रहा है, 412 केजी पर मीटर क्यू आ रहा है,
और टेबल नंबर 5 में हमें बताया कि 320 केजी से ज्यादा होना चाहिए 412 हैंड्स। ओके, प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट टू फाइन एग्रीगेट नेक्स्ट हमारा पार्ट है, और इसमें हमें एक टेबल नंबर 5 ही है सीआई स्कोर्स में, उसमें देखा गया है कि आपको कौन सी चैन ऑफ सैंड आप लगा रहे हैं उसके हिसाब से कोर्स एग्रीगेट का प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए। अभी यहाँ पे हम मैक्सिमम साइज 20 है और जोन 2 का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे 0.62 होना चाहिए। लेकिन इन्होंने एक चीज और बताई है कि बार्टर सीमेंट रेशियो 50 पर ये सारी चीजें हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम आपको थोड़ा सा करेक्शन इसमें देखेंगे। तो आप इसका क्लूज देखिए, 5.5 में जब आप जाएंगे तो वहां पे लिखा है कि यदि आपका बार्टर सीमेंट रेशियो 0.5 से कम है, और कितना कम है देखिए यहाँ पे, विच मे बी सुटेबली एडजस्टेड द प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट टू द टोटल एग्रीगेट इंक्रीज एट द रेट ऑफ 0.01 फॉर एवरी डिक्रीज इन बार्टर सीमेंट रेशियो बाय 0.05 एंड डिक्रीज इन रेट ऑफ 0.01 फॉर एवरी इंक्रीज इन बार्टर। देखिए आपको क्या करना है कि आपको प्रोपोर्शन, यदि आपका बार्टर सीमेंट रेशियो कम है तो प्रोपोर्शन आपको बढ़ाना है, किस रेट से बढ़ाना है ये देखने के लिए, तो 0.05 की रेट से आपको इंक्रीज एट द रेट ऑफ 0.01 प्लस माइनस में है और एवरी डिक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो। तो कितना कितना बढ़ाया, देखियो हमारा 0.5 था, 0.36 हमने अडॉप्ट किया, 0.5 है ठीक है। तो यहां से आप देख लीजिए कि आपने 0.5 का टेबल बता रहा है उसका 0.62 है, 0.36 हमने अडॉप्ट किया, 0.14 कम हुआ है, 0.14 कम हुआ तो 2.89 है, 2.89 को 0.08 हो गया, इसको ऐड कर दिया 0.68 आ गया, ये यहां पे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि टोटल एग्रीगेट में कोश एग्रीगेट का प्रोपोर्शन 0.648 होगा, फाइन एग्रीगेट का प्रोपोर्शन 0.352 होगा। मिक्स कैलकुलेशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वॉल्यूम को मास अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू 1/1000 करेंगे तो वॉल्यूम निकल के आएगा। टोटल वॉल्यूम हमें 1 MQ बनाना है, वाटर इंट्रैप्ड एयर इन द बेड कॉन्क्रीट 0.01 MQ है, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट हमने निकाला, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.88 है, मास ऑफ सीमेंट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 412 है, तो इससे इसका वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम ऑफ वाटर है, मास का वानी 148, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1/1/1 हो गया। वॉल्यूम ऑफ केमिकल एंड मिक्सचर्स है एट द रेट 1% पर मास ऑफ कॉन्सेंट्रेट मटेरियल, मास ऑफ सीमेंटेड केमिकल एडमिक्सचर्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केमिकल एडमिक्सचर्स, ये हम जिस भी आप खरीदेंगे उसकी उससे मिल जाएगी, और ये हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट, अब एग्रीगेट के बेसिस में आप निकाल लीजिए, तो पहला एक उसको माइनस किया और बाकी सारे वॉल्यूम को माइनस कर लिए, मतलब ऑल इन एग्रीगेट इतना एग्रीगेट अब हमें यूज करना है 0.695, बाकी सारा हो चुका है। अब एग्रीगेट में कोर्स एग्रीगेट आप देखेंगे, कोर्स एग्रीगेट में देख रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट की बात हो रही है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी और इन वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ कोर्स एग्रीगेट इन फाइन एग्रीगेट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपके आई बटन पे भी लिंक है, आप वहां से जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं ठीक है। बहुत ही अच्छे से समझाया किस तरह से निकालते हैं सारी चीजें हैं, और इस फॉर्मूले में स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट की वैल्यू रखेंगे। देखिए टोटल वॉल्यूम 0.695 है, उसका 0.648 आपको निकालना है, 0.274 इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है, और इनटू 1000 करेंगे तो इसका केजी में वेट निकला, मास ऑफ फाइन एग्रीगेट टोटल वॉल्यूम 0.695 है, उसका 0.352 आपको फाइन एग्रीगेट का वॉल्यूम लेना है, 0.65 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट है, मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है तो 648 केजी आया। हमने टोटल पानी मिला लिया, सीमेंट आ गया है, वाटर आ गया है, फाइन एग्रीगेट आ गया है, कोर्स एग्रीगेट आ गया है, देखिए SSD लिखा हुआ है, SSD मतलब सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन, इसका मतलब ये है कि ये अब पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इसने जितना पानी एब्जॉर्ब करना था कर लिया। यदि समर का सीजन होगा और थोड़ा ड्राई कंडीशन का एग्रीगेट होगा, वो पानी पिएगा पहले, तो पानी पिएगा तो कितना पानी पिएगा वो हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन के फॉर्मुलेशन इस वाले स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर एब्जॉर्प्शन आप यहां से निकाल सकते हैं। आप यदि उसको ड्राई कंडीशन में, यदि समर के सीजन में है तो आपको वाटर एब्जॉर्प्शन निकालना है, और वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे निकालते हैं, बल्क डेंसिटी 1 प्लस मॉइस्चर कंटेंट देखेंगे, तो वहां से आप वाटर कंटेंट निकालते हैं, देखेंगे कितना पानी ड्राई कंडीशन में आया है और सैचुरेटेड में कितना था, जितना भी फर्क है उतना पानी हम और ऐड कर देंगे पानी की डिमांड में,
जैसे यहाँ पर जो भी आया वो 6 kg यहाँ कम हो गया, 6 kg यहाँ कम हो गया, तो कोर्स एग्रीगेट में 1, 2, 3, 4 माइनस 1, 2, 2, 8, 6 kg, फाइनल एग्रीगेट में 648 माइनस 642, 6 kg। अब ये पानी भाई ड्राई कंडीशन में है तो इतना हमें मिलाना पड़ेगा, नहीं तो हमारी वाटर डिमांड से वो एब्जॉर्ब कर लेगा, हमारी बर्गेबिलिटी सफर करेगी, तो इसलिए इसको हमने बढ़ाया और हमारा पानी हो गया 160। तो एडजस्टेड प्रोपोर्शन फॉर ड्राई एग्रीगेट्स के लिए हमने पानी 160 कर दिया, और फाइन एग्रीगेट ड्राई है, कोर्स एग्रीगेट ड्राई है, तो इनके ड्राई वैल्यू नहीं है ना, ये 1228, ठीक है। वाटर सीमेंट रेशियो आ गया, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप स्लम्प को एडजस्ट करके, आप स्लम्प को एडजस्ट करने के लिए एडमिक्सचर्स का डोज बढ़ा सकते हैं, सीमेंट को कम थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हैं, और हमारे और स्लम्प आपको मिल जाए तो मिक्स प्रोपोर्शन शैल बी रिकवर द एक्चुअल वाटर कंटेंट एंड चेक बाय द ड्यूरेबिलिटी, उसके बाद टेस्टिंग कर सकते हैं। आपको 2 more ट्रायल्स करना है प्लस माइनस 10% ऑफ वाटर कंटेंट के साथ में, थोड़ा सा एडमिस्टर्स के डोज को भी, और आपको एक ग्राफ बनाना है वाटर सीमेंट रेशियो और स्ट्रेंथ के बीच में, और आपको देखना है कि आपकी टारगेटेड स्ट्रेंथ मिली नहीं मिली। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, और अभी तक आपने हमारी वीडियो को देखा हुआ है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो ताकि आपको मिले सबसे पहले हमारी नोटिफिकेशंस। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।